पिताजी से मुलाकात हुई और उन्होंने जानकारी दी कि 6 जो अभियुक्त बनाए गए हैं मनीष गुप्ता जी की हत्या के मामले में, उसमें से संभवतः 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। परिवार को नौकरी देने का वादा किया गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो व्यक्ति निर्दोष, जिसकी कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई गुनाह नहीं, उसकी इस प्रकार से पुलिसिया वर्दी पहन के निर्मम हत्या कर दी जाए, मैं समझता हूँ इससे बड़ा जंगल राज कुछ नहीं हो सकता। ये एक सीधा सा जंगल राज का उदाहरण है। और मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, जब संजीत यादव का मामला हुआ था, तो ये ऐसी घटना है जिससे पूरा देश उनकी पत्नी का वीडियो देख के रोते गिलखते हुए देख के पीड़ित है, दुखी है। और आज कोई भी व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता, कोई आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। किसी जनपद से दूसरे जनपद में कोई व्यापार करने जाए और उसके साथ पुलिसिया गुंडागर्दी हो जाए, उसके साथ हत्या हो जाए, उसके साथ मारपीट हो जाए, उसको जख्मी कर दिया जाए, ये तो कल्पना से परे है। मैं मांग करता हूं इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए और जो दरोगा इसमें, जिसका नाम आ रहा है, उसके बारे में ये पता चल रहा है कि JN सिंह पहले भी 2 लोगों की कस्टडी में डेथ के मामले में, कस्टडी में हत्या के मामले में आरोपी रहा है। ऐसे व्यक्ति को आप क्यों गोरखपुर जैसे जनपद में लगाकर रखे हुए हैं? क्या करना चाहते हैं आप? कैसे इस प्रदेश को चलाना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, एक एक कार्यकर्ता की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से अपनी गहरी संवेदना और दुख व्यक्त करता हूँ इस घटना पर। मनीष गुप्ता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की CBI जांच करा के परिवार को न्याय दिया जाए। उनका सब कुछ उजड़ गया है, कुछ नहीं है, एक छोटा बच्चा है। मनीष भी अपने पिता के अकेले बेटे थे।